पर्यावरण संरक्षण के लिए यूं तो अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ ने एक अनोखा ऐलान कर दिया है कि वे प्रदेश की 65,000 विद्यालयों में 10 लाख से अधिक पौधारोपण करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये संकल्प भी उन्होंने लिया है कि 80% पौधे जो है वो जीवित रहेंगे। न केवल पौधारोपण करना बड़ी बात होती है, बल्कि उनकी देखभाल करते हुए उनके संवर्धन, उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल करना भी महत्वपूर्ण काम होता है। इस बाबत उन्होंने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिनमें उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पत्रकार वार्ता के राजस्थान शिक्षक शेखावत ने इस बार एक अलग मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, और उस मुहिम में यदि मैं श्रेय देना चाहूँ तो बीकानेर की धरती को, बीकानेर के लोगों को देना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले कई सालों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो मुहिम शुरू कर रखी है, वो हमारा संगठन इस बार पूरे राजस्थान में इस मुहिम को शुरू करना चाहता है। और इसके लिए हमने लक्ष्य लिया है कि हम इस सत्र में हमारे इस राज्य की 65,000 स्कूलों में 10 लाख वृक्ष लगाएंगे, और 10 लाख वृक्ष लगाएंगे ही नहीं, उनके लिए ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनमें 80% जो वृक्ष हैं वो जिंदा भी रहे। संगठन की जो मुख्य मांगे हैं रचनात्मक कार्यों में ये दो चीज आ गई, लेकिन उसके साथ में हमने शिक्षा मंत्री से निवेदन ये भी किया है कि हमारे स्कूलों में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएं जिससे बिजली उत्पादित हो, और नरेगा के जो काम है उनको स्कूलों से जोड़ा जाए जिससे स्कूलों की दशा सुधरे। साथ ही स्थायी स्थानांतरण नीति की भी हम मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति हो, और हमारे जो जितने भी पीओ हैं उन पीओ में एक एक वाइस प्रिंसिपल का पद सर्जित किया जाए। साथ ही प्रबोधक जो हैं उनकी पदोन्नति, जो कई दिनों से हमारी मांग उठ रही है, उस प्रबोधक पदोन्नति का रास्ता भी सही किया जाए। और साथ ही हमने जो मांग पत्र दिया है वो शिक्षा मंत्री जी को भी दिया है और डायरेक्टर महोदय को भी।